अपने घरों में रहना, ठीक है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाना ही नहीं बाहर। सरपंच साहब कितने की हो? जी जी कौन हम इधर आओ ना जी जी नाल आओ नाल आओ नाल आओ लो तू भी सतो फटो ही नहीं ज़्यादा से लगते हैं दो या तू दो या तू दो या तू दो या तू सारा ऑप्शन तुम लोग ना कि यहाँ के लोग एक तो बॉर्डर की वजह से आए दिन परेशान रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्शन होती है सीज़फ़ायर वायलेशन उसका शिकार भी होते हैं, और साथ में ये जो कोरोना वायरस की वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में जकड़ा हुआ है, और लोग यहाँ पे मैंने देखा बड़े ही सहमे हुए हैं। अदरवाइज़ लोग यहाँ के एक तो बहुत गरीब हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पे आना और इन लोगों की मदद करना, मदद मेरा अल्लाह करता है लेकिन वसीले बन जाते हैं, शायद अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा। और मैंने सोचा कि भाई यहाँ एक्सट्रीम बॉर्डर पे आके जो भी लोगों की मुश्किलात है उसको हल करने की हमने कोशिश की। इससे पहले हम मंडी के इलाका जात में गए, कुछ म्यूनसिपल्टी हदूद में भी गए, और आज हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन पर हैं। तो आपके माध्यम से मैं इनको तमाम आवाम को ये अपील करता हूँ कि अपने घरों में रहें, अपना डॉक्टर खुद बने, हम अपने घरों में रहेंगे और ये चेन तभी टूटेगी, ये चेन टूटेगी और ये जो स्प्रेड है ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। और यही वजह है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट आज तक अल्लाह के फजल करम से इस वबा से बचा हुआ है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हकदार है मुबारक की, और साथ साथ में आवाम भी हकदार है, क्योंकि आवाम पूरा लॉकडाउन का पालन कर रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि लोग इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर हम इस लॉकडाउन का जितना पालन करेंगे उतने ही हम इस बीमारी से दूर रहेंगे। और आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहां पे बॉर्डर के लोगों की आके यहां पे उनकी बात सुनी और हमारे साथ आके जो हमारा पैगाम था आपके माध्यम से ही वो पैगाम पूरी आवाम तक आपने पहुंचाया। और आखिर में मैं तमाम यहाँ के जो जितने भी बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि रमज़ान का महीना आ रहा है और इस रमज़ान के महीने के फजलो करम से जितनी भी परेशानी इस बॉर्डर पे है, बॉर्डर के लोगों को आए दिन रहती है, वो इस अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि वो परेशानी से ये इनको नजात मिले। और ये जो कोरोना की बीमारी जो पूरी दुनिया में इस वक्त फैली हुई है, पूरी कायनात को इस मुबारक महीने के फजल व करम से पूरी कायनात को नजात मिले इस बीमारी से। शुक्रिया। मैं अपने मोहम्मद सलीम पांडे डबल आई साहब जो कि एनजीओ के मेंबर हैं, इनकी तरफ से जो रिलीफ बांटी गई है लोगों को, जो मुस्तिक थे, बेवा थी या कोई मजदूर था, उन लोगों को तो इनका हम बहुत अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस बॉर्डर इलाका में, ख़ास एन बॉर्डर पर होते हुए जहाँ के हर दूसरे दिन घोड़े चलते हैं, इन लोगों की हौसला अफसाई की है, इसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो हम उम्मीद करें कि आइंदा भी ये ऐसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें। और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए